ऑफ को के लोगों को बहुत गुस्सा है, तो सारों के मैसेज लूंगी। अभी मोती जी का भी मैसेजेस लेने हैं। तनुज सिन्हा जी कह रहे हैं, तनुज सिन्हा जी पहली बात तो आपका वेलकम है, दूसरी बात आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ हमारे सारे मैसेजेस लिए जा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे मैसेजेस किया करें क्रिकेट पे। तो तनु सिन्हा जी कह रहे हैं, हाय मैम मैं इंडिया से हूँ, आप दोनों को मेरा एक क्वेश्चन है, हैरिस रॉफ को इंडिया को लेकर ऐसा कमेंट करना था, सही है पहले अकमल फिर हैरिस, आपको नहीं लगता फोकस गेम पर करते तो जीत जाते? तो भाई इसमें इसमें इशू ये है दैट उसने उस फैन को पाकिस्तानी उसने टी शर्ट पहनी थी, उसको बोला कि ये तेरा हिंदुस्तान नहीं है और तू इंडियन ही होगा, ऐसे करके उसको बोला, ठीक है? तो उसने कैसे अज्यूम कर लिया, उसने कैसे सोच लिया कि ये बदतमीजी कर रहा है या उल्टा बोल रहा है या कुछ बोल रहा है तो वो इंडियन होगा? अगर उसने पाकिस्तान की फैन शर्ट पहनी है, ग्रीन शर्ट, तो ऐसा कैसे उसने अजम्पशन की? और देखो इतनी हेट है इंडियंस के अगेंस्ट की ऑटोमेटिकली ये लोग अज्यूम करते हैं कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो वो इंडियन ही होगा। मैं इसको जवाब देना चाहूंगा, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं ऐसी हरकतों पे। पहली बात तो भाई कोई भी हिंदुस्तानी तुझे थोड़ी सी भी अटेंशन क्यों देगा? अगर तेरी गोबर जैसी शक्ल ना अकल है, ठीक है, परफॉर्मेंस तेरी बिल्कुल घंटे भर की नहीं है, टेस्ट मैच खेलने की तेरी फिटनेस नहीं है, कंट्री को जिताने की तेरी काबिलियत नहीं है, तो इंडिया को तुमने हरा भी नहीं है, तुम हार के गए हो, कोई भी इंडियन तुझे अटेंशन क्यों देगा यार? घुटने में भी नहीं है तेरा तो दिमाग, मैं कहूंगा पाकिस्तानी जर्सी कोई भी भारतीय क्यों पहनेगा, मुझे बता दो एक तो कोई नहीं बनता यार। तभी मैं कहता हूं इनके पास है ना सालों के पास दिमाग तो है नहीं, टट्टी भर का दिमाग नहीं है इनका, शक्ल इनकी उनकी उससे भी गंदी है। उसने तेरी कंट्री की टी शर्ट पहनी हुई है, उसी की इज्जत कर लेता, किसी और की नहीं कर सकता दादा। और गुस्सा भाई सामने वाले का गुस्सा जायज है, फैंस का गुस्सा जायज है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, तेरा काम है तुझे चुपचाप जाने का। तुझे हिंदुस्तान की तरफ उंगली करके एक बार तेरा दिल नहीं भरा इतनी ठुकाई होने के बाद, अब तूने फिर कर दिया है, अब तेरी खूब ठुकाई होगी, दोबारा तू कभी भिड़ा ना बहुत मानेंगे। मैं यही कहूंगा शिवानी, फालतू की अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी करते रहते हैं, इनकी आदत है भाई। सिंपल सा एक अच्छा मैसेज बता देता हूं, वसीम अकरम इनकी कंट्री का है, उन्होंने एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि पाकिस्तान बाहर हो गई यूएसए अंदर आ गई, तो उसने यूएसए की तो पहले तारीफ की, पाकिस्तान को बोला कि हाँ भाई निकलो कहीं घूमने फिरने दुबई इधर उधर, कि पाकिस्तान तो जा नहीं सकते। मतलब उस एक्स क्रिकेटर को भी पता है ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अब पाकिस्तान नहीं जा सकते, जनता में गुस्सा भरा है, तो ये छुट्टी इसीलिए बना रहे थे बचने के लिए, भिड़ गया है। जी बिल्कुल सुशांत जी कह रहे हैं, रॉफ से कोहली से जब से मिला है उसका आतंक खत्म हो गया है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अनफ्यूज जी जी का बहुत अच्छा मैसेज है, वो कह रहे हैं ये प्लानिंग जो है ये साया कॉर्पोरेशन है इसमें एक्टिव, जिसने ये इशू ये पूरा चीज क्रिएट की है इशू को डाइवर्ट करने के लिए। तो मतलब उनका ये कहना है, पूरी कॉन्स्पिरसी थ्योरी लगाई हुई है उन्होंने कि साया कॉर्पोरेशन ने चार आदमी वहां भेजे थे, हैरिस रॉफ को बोला गया था ये ड्रामा करने को, और सारी जो मीडिया अटेंशन है, अब देखिए आज सारे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो सिंपथी कर रहे हैं, प्लेयर के साथ सिंपथी कर रहे हैं, कल उनको चीड़ फाड़ करने के लिए रेडी थे, आज जो है सारे सिंपथी, हाय बेचारी की बीवी थी, हाय बेचारे का ये था वो था, जैसे पता नहीं बीवी नहीं होगी क्या होगी क्या। मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू नो हो सकता है यू कैन बी राइट ऑल्सो फ्यू स्ट्रेटेजी, ये सारा जो है सेटअप हो सारी चीजें अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगता है सेटअप होगा, क्योंकि बीवी बच्चे हो या फैमिली के साथ जो चीजें ऐसी होती ना उसमें सेटअप में नहीं डालते, ये पाकिस्तानी है, आपने सुना ही होगा, ये अलग माहौल के अलग सोच के हैं, ये हरकतें थी, क्योंकि ये एक किस्सा नहीं हुआ होगा, ये तो एक किस्सा वीडियो में आ गया आपके सामने, जहां से गुजर रहे होंगे इनको गालियां पड़ रही होगी, वो जब गालियां पड़ेगी अंदर से इसकी जलेगी, इसने सोचा यहाँ तो अकेला बनता है मैं निकाल देता हूं ताकि और कोई गाली ना दे, देखेंगे वीडियो को, लेकिन अब इसको पड़ेगी और ज्यादा। जी तनु जी आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो भाई हम इंडियंस हैं, हाँ है भगवान हम इंडियंस हैं, हमारे पास है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैप्टन है रोहित शर्मा, पीछे इंडिया का फ्लैग है, पीछे विराट कोहली की फोटो है, हम इंडियंस हैं, हम दिल्ली से रहते हैं, हम गुड़गांव में रहते हैं, तो हमें भी पाकिस्तान मत भेजो, मुझे नहीं पता आप
आपको हमारी भाषा जो है वो हिंदी उर्दू लग रही है, क्यों उर्दू लग रही है, हम तो इंग्लिश में और हिंदी में बात कर रहे हैं, मोर और लेस हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वही हम इंडियंस हैं, आप थोड़ा सा अपना नजरिया करेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल, वी आर ब्लीडिंग ब्लू और हमें आप पाकिस्तानी, कृपा करके हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें आप पाकिस्तानी मत बनाइए। हम भाई अपनी हिंदुस्तान की टी शर्ट पहन के, मैंने इतनी वीडियो में आपने देख ली होगी, आप पहली बार आए होंगे, चलो कोई बात नहीं, गलत फहमी हो जाती है, हम हिंदुस्तान ही है, इससे बड़ा क्या लेंगे भाई। और भी छोड़ो यार, माथे पर तिलक देख लो आज तो, बजरंग बली वाला पाकिस्तानी क्यों लगाएगा कोई तिलक। जी बिल्कुल, तो भाई तनुज जी, मेरा नाम शिवानी है, इसका नाम क्रिश है, तो भाई हम 100% इंडियंस है और हम हिंदू भी है, तो भाई हमें पाकिस्तानी मत बोलिए। तो भाई जय मोगल माँ 877, आज तो बड़े नए नए मैसेजेस यहाँ दिख रहे हैं। सचिन को लोग क्रिकेट का गॉड कहते थे, कभी ऐसी जलालत सचिन ने की है क्या, वो पूछ रहे हैं। सी लोग सी ही रहेंगे जैसे हैरिस टोपिया। भाई सही बोल रहे हैं भाई जय मोगल जी, आप सही बोल रहे हैं। एंड राज जी कह रहे हैं फ्रॉम इंडिया, लाहौर के लड़के बहुत खूबसूरत होते हैं। है? ये क्या बोल रहे हैं, लड़कियां बोल रहे होंगे आप शायद, लड़कों को तो खूबसूरत नहीं बोल रहे होंगे, लड़कियां बोल रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, हमने तो देखी नहीं है, हमने देखी नहीं है, इंडियन लड़कियां भी अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, खूबसूरत होती है, हमारी एक्ट्रेसेस देख लीजिए बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसी वर्ल्ड में यार सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसानों में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर क्रिकेट की बात की जाए तो शिवानी, एक अफगानिस्तान का मैच आज का लीग का आखिरी मैच था, आप सभी ने देखा होगा, पता नहीं किसने देखा, क्योंकि सुबह उठ करके मैंने पूरा देखा, वेस्ट इंडीज आतंक मचा रही थी, पावर प्ले में जो धुलाई की, एक समय मुझे ऐसा लग रहा था 260 पे लेंगे यार, 260 और प्लस, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, निकी पी